हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 212। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल कर दीजिए। चलिए शुरू करें। नंबर वन में हमारा सेंटेंस क्या आप लोग देख सकते हो, जो बच्चा दौड़ रहा है वह मेरा बेटा है। द चाइल्ड इज रनिंग। कौन दौड़ रहा है? द चाइल्ड, बच्चा। कौन दौड़ रहा है? बच्चा। हु इज रनिंग? कौन दौड़ रहा है? चाइल्ड, बच्चा। यहाँ पर है जो बच्चा दौड़ रहा है इज माई सन, मेरा बेटा है। जो बच्चा दौड़ रहा है वह मेरा बेटा है। द चाइल्ड हु इज रनिंग। नंबर टू, जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। तो बनाएंगे द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। द चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। नंबर थ्री, जो गाय काली है वह मेरी है। द काउ हु इज ब्लैक। द काउ हु इज ब्लैक इज माइन। यहाँ पर किसका यूज हुआ है? प्रोनाउन का। जो गाय काली है वह मेरी है। द कॉज हु आर ब्लैक आर माई। नंबर फाइव, जो पुस्तक लाल है वह उन लोगों की है। तो सिंपल, द बुक विच इज रेड इज देयर्स। द बुक विच इज रेड इज देयर्स। नंबर सिक्स, जो पुस्तकें काली है वे उसकी है। द बुक्स विच आर ब्लैक आर हिज। या फिर आप यहाँ पर दोनों चीजें लिख सकते हैं, लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए। तो हिज हर्स हमने लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो। नंबर सेवन, जो लड़का कल नहीं आया वह आज आया है। द बॉय हु डिडंट कम यस्टरडे हैज कम टुडे। द बॉय हु डिडंट कम या फिर डिड नॉट कम यस्टरडे हैज कम टुडे। जो लड़के मैदान में दौड़ रहे थे वे मेरे दोस्त थे। जो लड़के मैदान में दौड़ रहे थे वे मेरे दोस्त थे। बनाएंगे द बॉयज रनिंग इन द गार्डन वेयर माई फ्रेंड्स। द बॉयज हु आर रनिंग इन द गार्डन वेयर माई सॉरी क्या बोल रहा हूँ वर माई फ्रेंड्स। ओके मिस्टेक। चलिए नंबर नाइन, जो लड़के झूठ बोलते हैं वे सजा पाते हैं। सिंपल, द बॉयज हु टेल अ लाई गेट पनिशमेंट। नंबर टेन, जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। द बॉय हु टेल्स अ लाई गेट पनिशमेंट गेट्स पनिशमेंट। नंबर इलेवन, जो कुत्ता भूखता है वह नहीं काटता। द डॉग हु बार्क्स डजंट बाइट हु सॉरी द डॉग हु बार्क्स डजंट बाइट। नंबर ट्वेल्व, जो ईमानदार होते हैं वे सम्मान पाते हैं। दोस्त Who are honest, get respect. 13, जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। Those who work hard get success. क्या आपने अभी तक कम्युनिटी टैब में जाके चेक किया है? या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर दीजिए, कर लीजिए। अगर आप लोग कुछ दिनों के बाद या वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उसके पर क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन ट्रांसलेशन वाला को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन की जर्नी में। इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, और क्या क्या दिए हैं आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं। आगे है, जो अंग्रेजी जानते हैं वे इज्जत पाते हैं। ये बनाएंगे दोज हु नाउ इंग्लिश गेट रिस्पेक्ट। 15, जो वहां जाता है वह भगवान का आशीर्वाद पाता है। Where she lives is known. 16, जो हरिद्वार जाते हैं वे शांति महसूस करते हैं। Those who go to हरिद्वार feel peace. Those who go to हरिद्वार feel peace. 17, जो इस पुस्तक को पढ़ता है वह ज्ञान पाता है। One who reads this book gets knowledge. नंबर 18, जो पढ़ रहे हैं वे पास कर जाएंगे। दोज हु आर स्टडिंग
विल पास। 19, जो पुस्तक वहां है वह अच्छी है। द बुक विच इज देयर गुड। 20, जो मकान पुराना था वह मेरा था। द हाउस विच वॉज ओल्ड वॉज माइन। 21, जो मेरे जेब में है वह बहुत कीमती है। आएंगे वन विच इज इन माई पॉकेट इज वेरी कॉस्टली। वीडियो पसंद आया ना आप लोगों को? वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। पसंद आने का मतलब लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।